नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। देश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए अब लोग पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेट को खोजने लगे हैं। ऐसे में भारत सरकार के साथ साथ देश के कई राज्यों के राज्य सरकारों ने भी सौर ऊर्जा और अपने आप को केंद्रित करना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार ने खुद ही कई जिलों में मछली के तालाब में सोलर यूनिट लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है। ऐसे में अब बिहार सरकार इथेनॉल को लेकर भी अग्रसर हो गई है, जिसे कि पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है या फिर उसे इस्तेमाल किया जाने वाला है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में हम इथेनॉल का इस्तेमाल कितना कारगर तरीके से कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं और देश के साथ साथ विदेश के किन किन देशों में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। बता दें कि देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों इथेनॉल की तैयारियों को लेकर बोलते हुए कहा था कि अब लोग पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बिहार सरकार इस ओर लगातार अग्रसर है और इथेनॉल उत्पादन को लेकर लगातार कार्य कर रही है। अगर हम इथेनॉल के बनने की प्रक्रिया को देखें तो यह एल्कोहल ग्रुप का है और एल्कोहल को आम भाषा में लोग शराब कहते हैं और इसका रासायनिक फार्मूला होता है C2H5OH जो है यही बताता है कि यह कौन से ग्रुप का है, कौन सी फैमिली का आता है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद जलने लगता है। जलने के बाद इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं, और हाइड्रोजन, इससे दो अलग अलग चीज़ें निकलती हैं और बाद में यही ईंधन का रूप लेता है, यानी कि बाद में जो है यही जलता है जिससे कि गाड़ियाँ चलती है। इसलिए कहा जाता है कि जब इथेनॉल का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी गाड़ी के इंजन को मॉडिफाई करना होगा। बता दें कि इथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है। बता दें कि इस फ्यूल को गन्ने से तैयार किया जाता है। एल्कोहल बेस्ड फ्यूल गैसोलीन के साथ मिलकर E85 तक तैयार हो गया है। कहने का मतलब है कि इथेनॉल फ्यूल हमारे पर्यावरण और गाड़ियों के लिए काफ़ी सुरक्षित है। बता दें कि ब्राज़ील में लगभग 40% गाड़ियां 100% इथेनॉल से चलती है, यानी कि पूरे ब्राज़ील का जो है 40% ऐसी गाड़ियां हैं जो कि पूरी तरह से इथेनॉल युक्त है। इतना ही नहीं, 24% इथेनॉल युक्त गाड़ियां जो है सड़कों पर है, यानी कि उसमें जो है मिक्स पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिलाकर जो है 40% गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर चल रही है। हालांकि ब्राज़ील में एक आसान इसलिए भी है यह काम करना, क्योंकि वहां की आबादी जो है कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि जो है यहां से दूर, तो ऐसे में यह प्रयोग करना ब्राज़ील के लिए अच्छा रहा। लेकिन बिहार सरकार भी इस पे काम कर रही है। ऐसे में बिहार सरकार इथेनॉल को लेकर जोर दे रही है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार सरकार का यह इथेनॉल कितना कारगर होता है। भारत सरकार की इथेनॉल युक्त गाड़ियों के रूप को अगर हम देखें, अगर भारत में कौन सी गाड़ियाँ जो है इथेनॉल युक्त है वो चल रही है, तो उसमें TVS मोटर ने अपनी पहली इथेनॉल से चलने वाली बाइक जो है अपाचे RTR 200 FIE 100 को बाजार में लाया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इथेनॉल युक्त वाहन बाजार में आ जाने के बाद से एक तो आम लोगों को महंगी पेट्रोल से राहत मिल जाएगा और वहीं प्रदूषण के लिए भी इसे रामबाण कहा जा रहा है। हालांकि बाजार में CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं, लोग इन गाड़ियों को भी खरीद रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि बिहार में इथेनॉल युक्त गाड़ियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है। हालांकि केंद्रीय परिवहन मंत्री ने साफ कहा है कि इंजन में बदलाव करना होगा, इसके बाद ही इथेनॉल युक्त गाड़ियां जो है वो सड़कों पर चल सकती है। तो ऐसे में यह बिहार सरकार के लिए भी एक चैलेंज है कि किस तरह से जो है वह इथेनॉल युक्त गाड़ियों को जो है बिहार में चलाए, क्योंकि पहले से ही यहाँ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी काम किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की तो गाड़ियाँ हैं ही, तो अब बिहार सरकार जो है कैसे अपने इथेनॉल युक्त वाहन को जो है उसमें मोटिवाइव करेगी, किस तरह से इंजनों में बदलाव होगा, ये सब चीज़ें जो है आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।